मेरी नज़र में खूबसूरती अंदर से आती है। अगर आप अंदर से खूबसूरत महसूस करें, आप अपने आप ही बाहर से दूसरों को खूबसूरत नज़र आएंगे। सो यू नीड टू फील ब्यूटिफुल फ्रॉम विद इन। एंड ब्यूटी इज़ नॉट ऑल अबाउट फेशियल फीचर्स, इट्स ऑल्सो अबाउट योर इनर ब्यूटी। सो आई थिंक अंदरूनी खूबसूरती होना ज़रूरी है। लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मेकअप एंड हेयर की इंडस्ट्री, जो कि बहुत फ्लरिश कर रही है, लेकिन रिकग्निशन नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं इंडियन ब्यूटी एंड मेकअप अवार्ड्स के लिए आई हूँ, जहाँ पे मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है। एंड यहाँ ब्यूटिशियंस को, हेयर स्टाइलिस्ट को एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन अगर आपको प्रोत्साहन ना मिले, अवार्ड ना मिले, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है। और अगर आपको उसके लिए रिकग्निशन मिल जाए तो चार चांद लग जाते हैं मेहनत में। वैसे हम लोग ब्यूटी एंड मेकअप के इवेंट पे आए, लेकिन आप दिल की खूबसूरती की बात कर रहे हैं, तो चलो मैं उसी बारे में बात करती हूँ। हाँ, आजकल कहीं ना कहीं रिश्तों की खूबसूरती धूमिल हो रही है, लेकिन मुझे लगता है हर जगह ऐसा नहीं है। जहाँ आपको दिखेंगे कुछ प्रतिशत लोग जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है और रिश्तों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, वहीं पर आपको ऐसे बहुत ही खूबसूरत लोग भी दिखेंगे जिनके लिए प्यार, रिश्ते, आपसी संबंध, यही सब कुछ है। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट आर आउटलुक। हम जिस नज़रिए से देखेंगे, हमें वैसे लोग नज़र आएंगे। दिव्यांका, एज अ सेलिब्रिटी आपकी लाइफ में मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं, उनकी जगह कहाँ पे है, कहाँ पर है, क्या उनके बिना? मेरे मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट की जगह मेरे सर आँखों पर है। वो है तो मैं हूँ। मुझे हमेशा, मैं अपने स्टाफ की हमेशा बहुत इज्जत करती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा स्टाफ अगर मेरे साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं अधूरी हूँ। आई डोंट नो, आई नेवर थॉट ऑफ एनी बिजनेस ऑफ दिस काइंड, स्पा या ब्यूटी सैलून का, लेकिन हाँ, अगर कभी मौका मिला तो क्यों नहीं। इतना एक्सपीरियंस तो है, शायद कभी, नेवर से नेवर। थैंक यू।